शुरू होने वाले हैं सभी मांगलिक काम। ग्रहों के राजा सूर्य करने जा रहे हैं उत्तरायण, यानी करने जा रहे हैं मकर राशि में प्रवेश। बुध और मंगल धनु राशि में रहेंगे साथ। ज्योतिष के अनुसार 77 साल बाद बनेगा अत्यंत ही दुर्लभ संयोग। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही प्रारंभ हो जाएगा मकर संक्रांति का त्योहार और खरमास का समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के शुभ दिन कई योग एक साथ आ रहे हैं। एक साथ कई योगों के आने से बदलने वाली है 5 राशियों की किस्मत। तो कौन सी है वो भाग्यशाली राशि जिन्हें भगवान सूर्य के साथ मिलेगा साक्षात कर्म प्रधान और न्यायप्रिय शनि देव का साथ। लेकिन उससे पहले जान ले कि आखिर कब है मकर संक्रांति। दोस्तों 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। भगवान आदित्यनाथ सूर्य शनि प्रधान मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मान्यता है इस दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना, उन्हें अर्घ देना विशेष फलदायी और कल्याणकारी रहेगा। कहते हैं द्वापर युग में कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मकर संक्रांति का महात्म्य समझा था। यही नहीं, 4 वेदों में एक वेद अथर्ववेद में मकर संक्रांति पर किए दान का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जा रहा है कि राजनीति और लेखन के क्षेत्र से जुड़े साधकों के लिए ये संयोग बहुत फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन और भी कई क्षेत्र हैं जिनके लिए मकर संक्रांति का विशेष लाभ होने वाला है। सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2024 की रात 2:44 पर होने जा रहा है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 15 जनवरी 2024 को देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सूर्य का उत्तरायण होना शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष विद्वान के अनुसार अब तक मलमास की वजह से जो भी कार्य रुके हुए थे, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार आदि मांगलिक काम, सूर्य के उत्तरायण होते ही प्रारंभ हो जाएंगे। अब चलिए नोट करें मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल में स्नान दान करना बेहद फलदायी है। नोट करें पुण्यकाल मुहूर्त 15 जनवरी 2024 को सुबह 10:15 से शाम 5:40 तक रहेगा। कुंभ राशि के चंद्रमा में मकर संक्रांति का पुण्यकाल होता है, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। जबकि महापुण्यकाल दोपहर 12:15 से शाम के 6 तक रहेगा। इस शुभ दिन शशि योग, बरियान योग, वाशी योग, सुनफा योग भी रहेगा। आकाश मंडल में शतभिषा व पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संयोग बनेगा। इन शुभ योगों में भागवत महापुराण का पाठ करना, शुभ कार्य, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा करना, सूर्य पूजन, भगवान शिव का अभिषेक किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। तो चलिए आप जानते हैं कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां जिनके किस्मत के दरवाजे भगवान सूर्य खोलने वाले हैं। सबसे पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि, सूर्य प्रधान सिंह राशि के लिए मकर संक्रांति पर सूर्य का उत्तरायण किसी वरदान से कम नहीं होने वाला। रवि और वरियान योग का संयोग आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। नौकरी में हैं तो आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिससे आगे जाकर आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी के प्रबल योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में बहार आएगी और जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे, इसलिए आपके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। अगली राशि है मेष राशि। मेष राशि, साहस और ऊर्जा से भरपूर मेष राशि, सूर्य आपकी कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। करियर, व्यवसाय में धन और प्रतिष्ठा के मामले में आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। सैलरी में प्रमोशन में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। अभी तक जो भी अटके हुए काम थे अब पूरे होने वाले हैं। मेष के बाद बारी है मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए मकर संक्रांति आय की नए नए स्रोत ला रही है। व्यापार कारोबार में आपको लाभ मिलने वाला है। लंबे समय से अटकी कोई डील अब फाइनल हो सकती है। लव लाइफ भी पहले से बेहतर रहेगी। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। यही नहीं, नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है, तो तैयार हो जाएं किसी बड़ी खुशखबरी के लिए। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से शनि प्रधान मकर और गुरु प्रधान धनु राशि के जातकों को भी फायदा होने वाला है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और आर्थिक लाभ की पूरी पूरी संभावना भी बन रही है। तो मित्रों, आपकी राशि कोई भी
भी हो, भगवान सूर्य और न्यायकर्ता शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं करते। इसलिए मकर संक्रांति पर दान स्नान अवश्य करें, क्योंकि ये दान ही होता है जो साथ जाता है। दान की महिमा को लेकर यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से एक बार ऐसा ही प्रश्न किया था कि मृत्यु के समय सब यहीं छूट जाता है, सगे संबंधी मित्र कोई साथ नहीं दे पाते, तब उसका साथी कौन होता है? इस पर युधिष्ठिर ने यक्षराज को उत्तर दिया था, दान। मृत्यु प्राप्त करने वाले का सच्चा साथी दान है। दान सदैव उसे देना चाहिए जो सुपात्र और योग्य व्यक्ति हो, जो आपके दान को श्रेष्ठ कार्य में लगा सके, तभी दान का श्रेष्ठ फल मिलता है। अथर्ववेद में दान के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांट दो। दान कुछ भी हो सकता है, धन, विद्या, श्रम, अंग या रक्तदान। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के शुभ दिन भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करें और यथाशक्ति दान दें। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लेकर आपकी कोई राय है तो इसे ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।